तिहाड़ जेल में जिस अंकित की मौत हुई है उसकी माँ ने एक पूरी कहानी को नया टर्न दिया है। उसने एक याचिका कोर्ट में दाखिल की है और तिहाड़ जेल के डीजी को उन्होंने मौत का जिम्मेदार ठहराया है और कोर्ट ने डीजी को तलब भी किया है नोटिस दे करके। चलिए पूरी खबर देखते हैं और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। अंकित की माँ ने अपनी याचिका में कहा है कि जेल के सुप्रिटेंडेंट नरेंद्र मीना जो हैं वो सब कुछ देखते रहे। उन्होंने अंकित से 1 लाख रुपए की मांग की। जब उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो उन्हें बेरहमी से मारा गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। याचिका में ये भी कहा गया है कि जेल सुप्रिटेंडेंट नरेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और जो अंकित की माँ है गीता, उसके मुताबिक इस मामले की खबर जैसे ही तिहाड़ जेल से छूटे कैदी ने उनको दी, 3 और 4 अगस्त की रात को परिवार ने हरिनगर पुलिस स्टेशन को इसकी इत्तला दी, लेकिन थाने में तैनात पुलिस वालों ने उनकी मदद नहीं की। और परिवार का ये भी कहना है कि थाने में उन्होंने फोन करके बताया कि अंकित को जेलर नरेंद्र और उसके साथियों ने पीटा है, वो पूरी तरह से जख्मी है, अगर उसे इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगा। इसके बावजूद पुलिस वालों का ये कहना था कि तिहाड़ जेल में चिकित्सा की सारी सुविधाएं हैं, उसको सुविधाएं मिलेंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और परिवार का ये भी कहना है कि अगर अंकित को वक्त रहते इलाज मिलता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, जानबूझ के उसका इलाज नहीं कराया ताकि उसकी मौत हो जाए। अब मौत के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन अंकित की सेल में बंद कैदियों पर हत्या का आरोप लगा रहा है, जबकि असली दोषी जेलर जो है नरेंद्र मीना वो है। परिवार ने कोर्ट से इस बात की भी गुहार की है कि अंकित की सेल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को सहेज के रखा जाए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग इस मामले में शामिल हैं वो इस फुटेज को डिलीट कर सकते हैं। अगर उस दिन रात 8 से रात 1 बजे तक की फुटेज देखी जाए तो साफ हो जाएगा कि अंकित की हत्या जेलर नरेंद्र मीना ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने न केवल तिहाड़ के डीजी को हाजिर होने का नोटिस जारी किया है, बल्कि हरिनगर थाने के एसएचओ को भी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है कि वो बताएं कि किस तरीके से उनको फोन आया और उन्होंने उसका क्या रिप्लाई दिया। इस मामले की सुनवाई अब शनिवार को यानी कि कल 2 बजे होगी। ये पहला मामला नहीं है जब तिहाड़ जेल में ऐसे केस हुए हों और जेल का प्रशासन सवालों के घेरे में आया हो। इससे पहले भी कई ऐसे केस आए हैं, कई कैदियों की मौत होती रही है और जेल प्रशासन पे सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कभी इसके खिलाफ कोई पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये है कि अंकित की माँ गीता के जो याचिका है उस पे किस तरीके से उसको न्याय मिलता है। मेरे साथ बने रहिए, इस बाबत और कोई अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगी। जय हिंद, जय भारत।